हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे क्वांट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये सेकंड पार्ट है। अगर इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वेश्चंस उसमें किए थे। क्लियर है गाइस? सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करो, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वीडियोस की वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इसको हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे देखो, जो ऊपर ये वैल्यूज हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 0.896 है, और यहाँ पे भी क्या है, 0.896 है। ठीक है, सो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 0.896 कॉमन आ रहा है। सो अंदर कितना रह जाएगा, 0.763 प्लस 0.237 रह जाएगा। क्लियर है गाइस? और नीचे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 0.7 दोनों में से कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.7। सो क्या रह जाएगा यहाँ पे अंदर, 0.064 प्लस 0.936 यहाँ पे ये रह जाएगा। क्लियर है? अभी हम दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, सो 3 प्लस 7 0, सो 1 कैरी जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.896। क्लियर है? सो 7 प्लस 3 0, 1 कैरी जाएगा। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 0 फिर नेक्स्ट कैरी जाएगा। सो आगे क्या है, 7 और 2, 7 प्लस 2 9 और 1 कैरी, सो 0, सो आगे 1 चला जाएगा। क्लियर है गाइस? सो नीचे कितना आ जाएगा, 0.7। सो इन दोनों को फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट डिजिट 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, 1 कैरी, सो 3 और 6 कितना होगा, 9, 9 प्लस 1 10, फिर 1 कैरी, सो 9 प्लस 0 9 और 1 कितना था, कैरी, सो 10, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। सो ये कितना बन गया यहाँ पे, 1। सो पॉइंट के आगे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 896 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे नीचे 7/10। क्लियर है गाइस? सो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी। सो ये क्या आ जाएगा, 896 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो 7 के टेबल पे 8 कितने पे जाएगा, 1 पे, 19, सो 19 2 पे जाएगा, 14, सो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 और 6, 56 7 के टेबल पे 8 पे जाएगा। क्लियर है गाइस? सो ये कितना आ जाएगा, 128/100। सो यहाँ पे नीचे दो जीरोज है, दो डेसिमल के पहले, सॉरी दो डिजिट्स के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। सो 1.28 ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस? सो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, सो इसमें यही सिखाया जाएगा कि कम से कम टाइम में जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है गाइस? कि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लेंथी मेथड के साथ क्वेश्चंस को करें। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वे देखेंगे और देखेंगे ऐसे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोकस होगा वो हमारा कैलकुलेशन के ऊपर होगा कि हम कैसे कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो हम जल्द से जल्द क्रैक ईजिली कर लेंगे। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4.41 मल्टीप्लाई 0.16। सो यहाँ पे क्या है देखो, इसको करने के दो मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पे दो डिजिट के पहले क्या है, पॉइंट है, और यहाँ पे भी दो डिजिट के पहले क्या है, पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल फोर डिजिट के पहले क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है। क्लियर है? सो यहाँ पे एक डिजिट के पहले आ रहा है, सो यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले, यहाँ पे टू डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है। सो टोटल कितना हो गया, फोर। सो फोर के साथ फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि जितने भी ये डेसिमल पॉइंट्स हैं ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ तो आप इसको ऐसे ही यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नीचे लिख सकते हो, 441 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, नीचे 21
16 × 21 आ जाएगा, क्लियर है। सो 21 पे 441 21 पे जाएगा और 21 पे 21 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए, सो 1 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस? सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 4। सो यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल पॉइंट है। सो टोटल 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, सो 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, क्लियर है गाइस? सो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, टोटल 3 डिजिट के डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 3 डिजिट से पहले, सो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, नीचे कितना है 0.044, क्लियर है गाइस? सो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सो 4 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 + 0 = 4 आ जाएगा। सो नेक्स्ट डिजिट क्या है, पॉइंट सॉरी 0, फिर पॉइंट लग जाएगा, नीचे कितना है 0.044। सो दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे? सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये और इसको हम कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो 0.051 मल्टीप्लाई 0.051 मल्टीप्लाई 0.051, सो यहाँ पे 0.041 है, सेम, ठीक है। सो हम क्या मान लेंगे, ए को हम मान लेते हैं 0.051 मान लेते हैं और बी मान लेते हैं 0.041 मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे बी क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। सो ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए स्क्वेयर होगा माइनस यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी होगा और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बी क्या होगा, बी स्क्वेयर होगा। सो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी की होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो ये पार्ट मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड किस में जाएगा, ये पार्ट डिवाइड में जाएगा, सो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सो किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा ये पार्ट। सो ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सेम है, जो यहाँ पे है वही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड किस पार्ट के इक्वल है, यहाँ पे ए प्लस बी के इक्वल है, सो यहाँ पे ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है गाइस? सो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की थी, 0.051 प्लस 0.041। सो 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 2, 5 प्लस 4 कितना होगा यहाँ पे 9 और 0 प्लस 0 0 होगा 0.0। सो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी बन रही है और आप इसको अप्लाई करो, सो आपका जो आंसर होगा वो ईजिली आ जाएगा, क्लियर है गाइस? सो सिंप्लीफिकेशन में हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और देखे थे कि कैसे हम सेम मेथड के साथ किए थे, क्लियर है? सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपने इसकी और प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 मल्टीप्लाई 10.3। सो यहाँ पे क्या है, 10.3 का क्यूब आ रहा है प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बेसिकली एक प्रॉपर्टी बन रही है ना, सो जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, सो 10.3 का क्यूब बन रहा है, सो इसको मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब फिर भी 1 ही रहेगा, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या है, 10.3 का स्क्वायर, सो 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3, इसको मैं 10.3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, और इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर है। सो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, क्लियर है। सो यहाँ पे ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, ठीक है। सो ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ये पार्ट है जो वहाँ पे डिवाइड में, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस बी के। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10.3 है और बी की वैल्यू कितनी है, 1। सो दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 11.3, यही हमारा क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या गिवन है, इफ दिस वन
ये पार्ट किसके इक्वल है, एक्स के। सो हमने इसकी वैल्यू पता करनी है 547527 डिवाइडेड बाई 82। सो जो हमने वैल्यू पता करनी है वहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सभी डेसिमल पॉइंट्स को हटा देंगे। सो 547527 डिवाइडेड बाई 3 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, सो नीचे 3 जीरोज आ जाएंगी। नीचे कितना है यहाँ पे 82, 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, सो यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगी। क्लियर है गाइस? सो ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। सो कितना आ जाएगा, 547527 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाई 82 मल्टीप्लाई 1,000। सो 30 के साथ 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसके इक्वल है, एक्स के। सो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वैल्यू चाहिए 547527 डिवाइडेड बाई 82, सो हमको इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो 10 है वो हमें नहीं चाहिए। सो 10 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड कहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में। सो 547527 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू एक्स, ये पार्ट मल्टीप्लाई में 10 वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बाई 10। सो यही क्या होगा हमारा गाइस, आंसर होगा। क्लियर है? जो हमने वैल्यू निकाली है हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है इस टाइप के, अगर क्वेश्चन को आ जाते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप वीडियो को फिर से बैक करके आप इसको देख सकते हो, सो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 172। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है गाइस? सो हमने वैल्यू किसकी पता करनी है, 29.94 डिवाइडेड बाय 1.45। सो यहाँ पे देखो, दो डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ पे भी दो डिजिट के पहले डेसिमल है। सो डेसिमल के साथ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमने सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। सो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, 2994 डिवाइडेड बाय 145। सो यहाँ पे एक डिजिट के पहले क्या है, पॉइंट। सो नीचे 10 उतर जाएगा, ये पार्ट किसके इक्वल है, 172 के। सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, सो 2994 डिवाइडेड बाय 145। सो 10 है ये, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 172। सो हमें सिर्फ ओनली इसकी वैल्यू चाहिए इस पार्ट की, 2994 अपॉन 145। सो ये पार्ट मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू के उस साइड किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। सो 2994145, सो 172 डिवाइडेड बाय 10। सो ये जो 10 है ऊपर एडजस्ट हो जाएगा एक डिजिट के पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा, 17.2। यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ट्रिक कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो डेसिमल में अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, सो उसको देखो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, डेसिमल के जो 3 टाइप्स थे, रैशनल और इरैशनल को, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, ठीक है, उसको हम कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपकी जैसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे होंगे कि जैसे 0.5 बार है, इसको आपने वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करके बताऊँगा कि हम 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को, आप लोगों ने 3 केस हैं जो इनके 3 केस, ठीक है, इनको स्टडी करना है और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसको ईजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है गाइस? सो फर्स्ट केस चेक करते हैं, 0.6 बार, इसको आप लोगों ने पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि 0.6 बार 0.66666 सो ऑन ऐसे इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है ये। क्लियर है? सो आपने पी बाई क्यू फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करोगे, सो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहा है, ओनली 6 है। सो यहाँ पे ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है बार के नीचे, सो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म में आप इसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? जो बार के नीचे डिजिट होगा वो आपने एज इट इज लिखना है और जितने डिजिट होंगे बार के नीचे उतनी आपने नाइन्स लगा देने ने। क्लियर है? सो जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 0.62 बार, ठीक है।
सो बार के नीचे क्या है, 62, यहाँ पे 62 आ जाएगा। सो बार के नीचे कितने डिजिट हैं, टू डिजिट्स हैं, नीचे 2 9s आ जाएंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि इसको अब पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो ये फर्स्ट केस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो अभी हम केस सेकंड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सो केस सेकंड क्या है, यहाँ पे अगर सपोज करो कि आपके पास 0.2323 बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो आप लोगों ने क्या लिखना है, सो टोटल यहाँ पे डिजिट्स क्या हैं, 2323 आप लोगों ने एज इट इज लिख लेना है माइनस। क्लियर है? सो बार के नीचे जो डिजिट्स नहीं हैं, जो बार के नीचे डिजिट्स नहीं है, वो आप लोगों ने माइनस करना है। सो बार के नीचे यहाँ पे 23, ये 23 नहीं है, सो यहाँ पे 23 ये आप लोगों ने माइनस करना है। क्लियर है गाइस? सो अभी हमने क्या करना है, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 9s लगा देंगे। बार के नीचे कितने डिजिट्स नहीं हैं, यहाँ पे दो डिजिट्स नहीं हैं ये वाले, सो ये वाले दो डिजिट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे हम 2 0s लगा देंगे। क्लियर है गाइस? सो आप इसको माइनस करके ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसका कि कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2346 बार, ठीक है। सो अभी हम क्या लिखेंगे, 2346 ये पूरा डिजिट एज इट इज लिखेंगे हम इसको, ठीक है। माइनस हम इसमें क्या करेंगे, जो बार के नीचे नहीं है, बार के नीचे यहाँ पे क्या नहीं है, 23 नहीं है, सो हम इसको माइनस कर देंगे। सो बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2, सो हम यहाँ पे 2 9s लगा देंगे। बार के नीचे कितने डिजिट्स नहीं हैं, दो डिजिट्स नहीं हैं, तो हम यहाँ पे 2 0s लगा देंगे। सो ये माइनस करके आपका क्या आ जाएगा गाइस, 2323 डिवाइडेड बाई 9900, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? की सेकेंड जो केस है हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अभी हम इसका थर्ड केस देखते हैं कि हम थर्ड केस है जो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो केस थर्ड, सो केस थर्ड क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2.3445, ठीक है, ये हम इसके ऊपर क्या है, 4 5 के ऊपर यहाँ पे बार है। क्लियर? सो अभी हमने इसको सॉल्व करना है पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, वर्ग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो ये सारा डिजिट हम पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2 3 4 4 5 हमने एज इट इज लिखा। क्लियर है? सो अभी यहाँ पे बार के नीचे जितने डिजिट्स नहीं हैं, हम उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो 2 3 4 यहाँ पे बार के नीचे नहीं है, सो 2 3 4 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर है गाइस? सो डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं, सो यहाँ पे हम 2 9 लगा देंगे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे बार के नीचे कितने डिजिट्स नहीं हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट के आगे वाले लेने, हमेशा याद रखना, पॉइंट के आगे कितने डिजिट नहीं हैं, बार के नीचे दो डिजिट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे 2 0s यहाँ पे लग जाएंगी। क्लियर है गाइस? सो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम कैसे जो वल्गर फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये तीन केस हैं, ये तीनों केस आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखने हैं, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो आपके, ठीक है, एग्जाम में पीओ में आया हुआ है क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन है, जैसे 3.87 बार माइनस आगे क्या है, 2.59 बार, ठीक है। सो इन दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है। सो इसको माइनस करने का मेथड क्या है, 3.87 आपने यहाँ पे 3 तक डिजिट्स लिख लेने हैं, 2.59 59 59, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है। क्लियर है? सो यहाँ पे 7 है, 7 इसे बोरो लेगा, 17 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 है, सो 7 अगेन इससे बोरो ले गए, 17 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अगेन 7 है, 7 इससे एक बोरो लेगा, 17, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.3 माइनस 2 कितना होता है 1। सो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, यहाँ पे 1.282828 कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। सो आप 28 के ऊपर यहाँ पे बार लगा देना, सो ये आपका क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, डेसिमल में, सो हमारा डेसिमल टॉपिक है ये फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं। सो उसकी मैं एक थर्ड वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर गाइस? सो आप मेरे फेसबुक पेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।